डिफमेशन अर्थात मानहानि अंडर आईपीसी 1860 सेक्शन 499 से 502। सेक्शन 499 डिफमेशन, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए इंटेंडेड शब्दों द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस इंटेंशन से लगाता या पब्लिश करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म किया जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए लगाता या पब्लिश करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म होगा, इसमें पश्चात एक्सेप्टेड केसेस के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि अर्थात डिफामेशन करता है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की रेपुटेशन को यदि वह जीवित होता हार्म करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को हर्ट करने के लिए इंटेंडेड हो। एक्सप्लेनेशन सेकंड, किसी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उनकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। एक्सप्लेनेशन थर्ड, अल्टरनेटिव या आयरोनिकली एक्सप्रेस्ड लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। एक्सप्लेनेशन फोर्थ, कोई लांछन किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस व्यक्ति के मोरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर को कम ना करे या उस व्यक्ति की कास्ट या उसकी आजीविका के संबंध में उसके करेक्टर को कम ना करे या उस व्यक्ति की साख अर्थात क्रेडिट को नीचे ना गिराए या यह विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणात्पादक अर्थात लौत्सम दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से डिसग्रेसफुल समझी जाती है। फर्स्ट एक्सेप्शन, सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या पब्लिश किया जाना पब्लिक गुड अर्थात लोक कल्याण के लिए रिक्वायर है, मानहानि नहीं है। सेकंड एक्सेप्शन, पब्लिक फंक्शंस के निर्वहन में पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के विषय में या उसके करेक्टर के विषय में जहाँ तक उसका करेक्टर उस कंडक्ट से प्रकट होता है ना कि उससे आगे कोई ओपिनियन चाहे वह कुछ भी हो गुड फेथ में एक्सप्रेस करना मानहानि नहीं है। थर्ड एक्सेप्शन, किसी पब्लिक क्वेश्चन के संबंध में किसी व्यक्ति के कंडक्ट के विषय में और उसके करेक्टर के विषय में जहाँ तक उसका करेक्टर उस कंडक्ट से प्रकट होता है ना कि उससे आगे कोई ओपिनियन चाहे वह कुछ भी हो गुड फेथ में एक्सप्रेस करना मानहानि नहीं है। फोर्थ एक्सेप्शन, किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की या किन्हीं ऐसे प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट की सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश करना मानहानि नहीं है। फिफ्थ एक्सेप्शन, किसी ऐसे केस के गुणागुण अर्थात मेरिट्स के विषय में चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल जो किसी कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका हो या किसी ऐसे केस के पक्षकार विटनेस या एजेंट के रूप में किसी व्यक्ति के कंडक्ट के विषय में और उसके करेक्टर के विषय में जहाँ तक उसका करेक्टर उस कंडक्ट से प्रकट होता है ना कि उससे आगे कोई ओपिनियन चाहे वह कुछ भी हो गुड फेथ में एक्सप्रेस करना मानहानि नहीं है। सिक्स एक्सेप्शन, किसी ऐसी परफॉर्मेंस के गुणागुण के विषय में जिसको कर्ता अर्थात ऑथर ने पब्लिक के जजमेंट के लिए रखा हो या उसके ऑथर के करेक्टर के विषय में जहाँ तक कि उसका करेक्टर ऐसी परफॉर्मेंस में प्रकट होता हो ना कि उससे आगे कोई ओपिनियन गुड फेथ में एक्सप्रेस करना मानहानि नहीं है। सेवंथ एक्सेप्शन, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी रखता हो जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसी लॉफुल अथॉरिटी संबंधित हो उस अन्य व्यक्ति के कंडक्ट की गुड फेथ में की गई परिनिंदा
अर्थात सेंसर मानहानि नहीं है। एर्थ एक्सेप्शन, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई अभियोग अर्थात एक्यूजिशन ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में लॉफुल अथॉरिटी रखते हो, मानहानि नहीं है। नाइन्थ एक्सेप्शन, किसी अन्य व्यक्ति के करैक्टर पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए या पब्लिक गुड के लिए वह लांछन गुड फेथ में लगाया गया हो। टेंथ एक्सेप्शन, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट गुड फेथ में सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति इंटरेस्टेड हो या पब्लिक गुड के लिए इंटेंडेड हो। सेक्शन 500, पनिशमेंट फॉर डिफामेशन, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 501, मानहानिकारक अर्थात डिफामेटरी जानी हुई बात को प्रिंट या एनग्रेविंग करना, जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी किसी बात के लिए मानहानिकारक है प्रिंट करेगा या उत्कीर्ण अर्थात एनग्रेव करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 502, मानहानिकारक विषय रखने वाले प्रिंट या एनग्रेव सब्सटेंस को बेचना, जो कोई किसी प्रिंटेड या एनग्रेव्ड सब्सटेंस को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।